गुड मॉर्निंग माय फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? तो फिर से आज केक बनाने वाला है, जो कि है पीस केक में बनाएंगे, जो कि गार्निश भी उसमें ऐड करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में देख रहा है जैसे कि मैं चॉकलेट व्हाइट कंपाउंड का जो चॉकलेट है उसी को चॉप कर लिया हूं, जो कि मैं उसको माइक्रो ओवन में डाल के गर्म कर लूँगा। और जो फ्रेंड्स आज जो रेसिपी है, जो कि जो पीस केक बनाने वाला हूँ, जो कि कस्टमर जो ऑर्डर दिया है 200 पीसेस, फ्रेंड्स बहुत सारा पीसेस है ऑर्डर। तो आज उसको हम उसका ऊपर में गार्निशिंग का भी डिज़ाइन करना, तो हम आपको सभी करके दिखाएंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं, मैं उसको शीट में डाला हूँ, जो नॉर्मली गार्निश शीट आया है उसको आता है उसको, उसी को मैं डाल के जो कि ऑरेंज कलर ऐड करके जैसे क्रॉसिंग लाइनिंग मार्क कर दिया था ना, वैसे आपको भी कर लेना है। तो फ्रेंड्स उसको सूखने के बाद ही आपको ऊपर व्हाइट वाला चॉकलेट डालना है, जो कि मैं डाला हूँ। और फ्रेंड्स आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ, जैसे कि देख रहा है मेरा, जैसे वो पहले जो नीचे लेयरिंग जो नीचे डाला था मैं, जो रेड ऑरेंज कलर का, वो सेट होने के बाद ही मैं उसका ऊपर व्हाइट चॉकलेट डाला हूँ। तो फ्रेंड्स पूरा सूखने के बाद मैं उसको काट कर लूँगा, जो कि मेरा फ़ोटो में जैसा था वैसे ही मैं काट कर लूँगा। आपको जैसा चाहिए वैसा आप डिज़ाइन बना सकता है, जो कि गार्निशिंग में। और इसका भी वीडियो बना के डालना है तो फ्रेंड्स कमेंट में बताना, अगर आपको गार्निशिंग बनाने के लिए मालूम नहीं तो मैं इसका भी वीडियो बना के डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि देखा है ऐसे ही आपको मैं जैसे कट किया हूँ, और कट करने का गार्निशिंग कट करने का टाइम हमेशा याद रखना कि अच्छे से कट हो, नहीं तो सेट होने के बाद जॉइन हो जाएगा, नहीं निकालेगा। तो फ्रेंड्स उसको फ्रिज में एक घंटा के लिए रख देना है, रख के आपको एक घंटा किया, जब आपका पेस्ट्री रेडी होगा तब आप उसको निकाल के आराम से डाल सकता है। तो फ्रेंड्स मेरा जैसे ज़्यादा था पेस्ट्री, तो पीस केक जो है ज़्यादा था, तो मैं उसको दिखा नहीं पाया आपको लेयरिंग करके, जो कि मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ, जो जैसे कि मैं लाइन लाइन से लेयरिंग कर लिया हूँ उस दिन दिखाया था, तो वैसे ही आपको इस, मैं इसको भी ये स्क्वायर ट्रे लिया हूँ, जो कि 2 kg का आता है ये ट्रे, और इसमें मैं बनाऊँगा एक पीस, एक ट्रे में बनाऊँगा 30 pieces। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे ही मैं जैसे किया हूँ लाइन से, आपको अगर बड़ा ज़्यादा पेस्ट्री पीसेस को कुछ भी ऑर्डर हो तो आपको ऐसे ही मेरा ऐसा फॉलो करना है, आपको जल्दी काम हो जाएगा और आपका वो आइटम भी जो है मस्त बनेगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि देखा मैं इसको बना रहा हूँ, जो कि व्हाइट क्रीम से फिनिश कर लिया हूँ नॉर्मली, और नॉर्मली फिनिश करके उसका ऊपर गर्म नाइफ जो है, जो कि आपको मैं बोला हूँ, बोलता ही रहता हूँ कि गर्म पानी करके लेना, वही गर्म पानी में मैं चाकू को डिप करके उसको जो कि है पेस्ट्री को फिनिश किया हूँ। और उसके बाद जो है देख रहा है आप लोग कि मैं ऑरेंज कलर का जेल बनाया हूँ, जो कि नॉर्मली जेल डालना और उसी में ऑरेंज कलर डाला हूँ, और थोड़ा सा अगर आपको ये चाहिए तो थोड़ा सा आप नॉर्मल जो ग्लेजिंग आता है, ग्लेजिंग जेल, उसको भी थोड़ा सा डाल सकता है। तो फ्रेंड्स देखा है मैंने जितना सा डाल के सभी ऊपर में पूरा रेड कलर, ऑरेंज रेड कलर कर दूंगा, जो कि फ़ोटो में था। आपको ऐसा ही जेल डालना ही है, ऐसा बोल के नहीं, आप दूसरा कुछ भी डिज़ाइन करके डाल सकता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि देखा मैं ऐड कर लिया हूँ, और ऐड करने के बाद इसके बाद जो कि है मैं उसको अच्छे से नाइस तरीके से फिनिशिंग कर। तो गाइज हमेशा एक बात याद रखना, जेल डालने के बाद चाकू को आपको गर्म नहीं करना है, क्योंकि जेल जो है चाकू गर्म होगा तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगा, आपका फिनिशिंग बिगड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स चाकू को नॉर्मली चाकू से ही जेल को अच्छे से फिनिशिंग कीजिए। तो देखा है मैं कितना अच्छे से जेल को अच्छा शाइनिंग आ रहा है ना फ्रेंड्स, तो इसीलिए आ रहा है क्योंकि जेल आपको अच्छा मिक्सिंग कलरिंग, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, पूरा अच्छे से डालेगा ही तो ऐसा अच्छा कलर आएगा। तो गाइस देखा जैसे कि मैं उसको पूरा जेल को पूरा केक में ला ये करके फिनिशिंग करके उसके बाद जो कि है गर्म पानी से ही, मैं आपको बोला ही हूँ कि गर्म पानी से काटता हूँ मैं, जो कि आप लोग देख रहा है। और ये जो है रेक्टेंगल शेप में था, जो भी मेरे को फोटो दिखाया था ऐसा ही कटिंग था, जो कि मैं भी ऐसा ही कर दिया हूँ। और उसका ऊपर में जो कि ऑरेंज कलर का व्हाइट क्रीम का ही मैं ऑरेंज कलर ऐड करके उसको मिक्सिंग करके मैं जो कि व्हाइट पाइपिंग में डाल के नोजल में व्हाइट स्टार नोजल में डाल के उसको ड्रॉपिंग कर दिया हूँ ऊपर, वो तो नॉर्मली आप कर ही लेंगे। तो फ्रेंड्स जो कि मैं चॉकलेट देखा है मैं अच्छे से कितना अच्छे से जो कि है सेट होके निकल रहा है, तो कि फ्रेंड्स क्योंकि मैं उसको डीप फ्रिज में रख दिया था, तो आपको भी चॉकलेट हमेशा याद रखना, बना के हमेशा डीप फ्रिज में रखना, तभी आपका चॉकलेट जो है अच्छे से शाइनिंग आएगा, और जो कि पीस जो काटेगा ना आप वो भी अच्छे से निकल आएगा।
तो फ्रेंड्स देखा है मैं ड्रॉप का बीच में जो कि है चॉकलेट को डाल रहा हूँ। देखिए आपको भी ऐसे ही डालना है बोल के नहीं, अब दूसरा भी डिजाइन कर सकता है। तो फ्रेंड्स इतना ही था आज के लिए, जो कैसा लगा मेरा ऑरेंज पेस्ट्री जो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स फिर से एक नया वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए हर हर महादेव। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। तो आप भी वीडियो को देख के अच्छे आप भी